बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहर के भव्य आयोजन से। तीन दिवसीय नानीबाई के मायरे के चलते शहर का दशहरा मैदान श्याम धाम बना रहा। भव्य रूप से कथावाचक सुश्री के किशोरी जी का नीमच में स्वागत किया गया। कथा के प्रथम दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी, वहीं कथा के प्रारंभ होने से पहले ही पूरा पंडाल भक्ति में लीन हो गया। शहर का दशहरा मैदान शुक्रवार से श्याम धाम बना और राधा स्वरूपा सुश्री जया किशोरी जी के मुखारविंद से तीन दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का शंखनाद हुआ। पहले दिन मायरे कथा स्थल पर पहुंची जया किशोरी जी को मंच तक पालकी में बैठाकर उनके आगे आगे सीआरपीएफ के बैंड के द्वारा अगवानी कर मंच तक ले जाया गया, जहां जया किशोरी जी के व्यासपीठ पर विराजित होने के बाद मायरा कथा उत्सव समिति के सदस्यों के द्वारा व्यासपीठ की आरती की गई, जिसके पश्चात राधा स्वरूपा सुश्री जया किशोरी जी ने नानी बाई के मायरा कथा का आरंभ अपने मुखारविंद से किया। नानी बाई के मायरे कथा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई, जो 6:30 बजे तक जया किशोरी जी के मुखारविंद से प्रभावित हुई। 25 व 26 को भी जया किशोरी जी के मुखारविंद से नानी बाई के मायरे का कथा को प्रवाहित करेगी। मायरा कथा के प्रथम दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष व बच्चों सहित बुजुर्ग भी स्थल तक पहुंचे और नानी बाई का मायरा कथा का श्रवण लाभ लिया।